वैध हुई अवैध असला से हश फायरिंग की तो जेल जाने को रहे तैयार। जेल की ही नहीं 1 लाख रुपए जुर्माना की भी भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, असला लाइसेंसी है तो वह रद्द भी कर दिया जाएगा। इस बाबत गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि अब इससे हल्के में लेने वाले बिहार पुलिस हर एक हश फायरिंग के मामले में सख्ती से निपटेगी। यानी अब हश फायरिंग का मामला दुख में तब्दील हो सकता है। दरअसल बीते हुए कुछ दिनों में हश फायरिंग के मामले में काफी तेजी आई है। वैध हो या अवैध, लोग हर एक खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग करने से लोग बाज नहीं आ रहे थे। इसे कुछ लोग शान समझ बैठते हैं। गया एसएसपी आशीष भाटी ने बताया कि हर्ष फायरिंग का मसला वैध हथियार से हो या फिर अवैध हथियार से, सभी मामले में पकड़े जाने पर जेल जाना ही होगा। विगत कुछ दिनों में कुछ जगहों से हर्ष फायरिंग के संबंध में घटनाएं प्रतिबिंबित होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसका जो अर्थ है वो यह है कि कोई भी जश्न मनाने वाली गोलीबारी, जैसे कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों या अन्य कार्यक्रम में जो अग्नियास्त्र का उपयोग करते हैं उस तथा उसका फायरिंग करते हैं तो उसको हर्ष फायरिंग कहा जाता है और यह एक दंडनीय अपराध है और आर्म्स एक्ट की धारा 17 तथा धारा 25 सबसेक्शन 9 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और इस हर्ष फायरिंग के अपराध के लिए 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी दिया जा सकता है। साथ में अगर कोई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा इस प्रकार की हर्ष फायरिंग की जाती है तो उनका जो शस्त्र अनुज्ञप्ति है उसको भी रद्द किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो घटनाओं में शामिल नहीं हों, इस प्रकार का कृत्य नहीं करें और एक हर्ष मनाने वाले एक आयोजन को किसी भी प्रकार से उसको गमगीन ना बनाएं। धन्यवाद। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए News24 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News24 ऐप। बिहार के गया में शादी के दूसरे दिन दूल्हे की हत्या मामले का पुलिस ने नई नवेली दुल्हन की गिरफ्तारी कर कांड का खुलासा किया गया है। दुल्हन ही अपने मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ मिलकर अपने दूल्हे पति की हत्या कराने की साजिश रची थी। दूल्हे पति की हत्या के बाद 1 सप्ताह बाद अज्ञात व्यक्ति का शव आमस थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था, जिसकी पहचान दुल्हन की मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। नई नवेली दुल्हन की मौसेरे बहनोई के साथ अवैध संबंध था। इसकी खुलासा SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी SP के द्वारा इसमें SDPO शेर घाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस मामले में अगतर अनुसंधान तकनीकी तथा जो पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बनोई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अभी तक जाँच किया जा रहा था, परंतु इसी क्रम में दिनांक कल 6/23 को आमस थाना अंतर्गत लंबुआ मोड़ GT रोड के उत्तरीगंज के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव के रूप में की गई थी, जिस संबंध में आमस थाना में एक UD कांड दर्ज किया गया है जो मृतक है उनके परिजन के आवेदन के आधार पर। जब इस संबंध में अनुसंधान के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे, इसलिए काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को
इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जो मृतक अशोक कुमार की शादी इनसे 29/5/23 को हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे जो अवैध संबंध के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इस प्रकार की घटना जो उपेंद्र यादव है उसके द्वारा धारदार हथियार से उसको कर दिया गया। और मृतक की पत्नी के द्वारा घटना के से पहले जो अशोक कुमार के लोकेशन इत्यादि उपेंद्र यादव को बताया गया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने पूछताछ के क्रम में किया है।